हेलो प्यारे बच्चों तो आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर थर्टीन प्रेयर ऑफ अ स्पोर्ट्स मैन बाई राले रैले एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास एट इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक एक्चुअली दिस इज़ अ इंस्पिरेशनल पोएट्री सो इन दिस चैप्टर इन दिस पोएम वी विल रीड व्हाट इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन प्रेयर सो स्टार्ट वट यू थिंक शुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सनस फर्स्ट एंड फॉरमर्स्ट गोल बच्चों आपको क्या लगता है आप क्या सोचते हैं कि एक जो खिलाड़ी है उसका प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण ध्येय क्या होता है उसका गोल क्या है रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट वट अ स्पोर्ट्स मैन इज प्रेइंग फोर एंड डिसाइड्स टू डू तो आइए हम ये पोएम पढ़ते हैं समझते हैं और जिससे हमें पता चलेगा कि एक खिलाड़ी क्या है वो प्रे क्या प्रार्थना करते हैं और क्या निर्णय लेते हैं तो फर्स्ट एंजर है डियर लॉर्ड इन द बैटल दैट गोज ऑन थ्रू लाइफ आई आस्ट बट अ फील दैट इज फेयर ये यहाँ पर जो पोएट हैं वो बताते हैं स्पोर्ट्स मैन के एक प्रेयर में स्पोर्ट्स मैन क्या कहते हैं कि डियर लॉर्ड हे प्रभु हे ईश्वर इन द बैटल दैट गोज ऑन थ्रू लाइफ जो जिंदगी की एक ही बैटल है जिसमें मैं जो मेरा मैच है जो खेल है जिसमें मैं उतरने जा रहा हूँ जो खेल उसके लिए आई आस बट अ फील दैट इज़ फेयर वो खेल बहुत ही फेयर हो आई अ चांस दैट इज़ इक्वल विद ऑल इन द स्ट्राइफ और मुझे भी सहभागिता का बराबर का ही इक्वल एकदम चांस मिले अपने स्ट्राइव स्ट्राइव होता है बच्चों कन्फ्लिक्ट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया विद ऑल इन द स्ट्राइव कन्फ्लिक्ट अ करेज टू स्ट्राइव एंड टू डेयर और मुझे साहस प्रदान कर देना हे प्रभु टू स्ट्राइव टू स्ट्राइव स्ट्राइव हेयर मीन्स टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग किस चीज़ पाने के लिए जो कड़ा प्रयास है बहुत परिश्रम है वो मुझे करने के लिए साहस देना एंड टू डेयर और हिम्मत के लिए ठीक है बच्चों ये तो पहरा जो पैराग्राफ है पहला इसमें यही स्पोर्ट्समैन जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से मैच में जाने से पहले अपने खेल खेलने से पहले कि हे प्रभु बस मुझे फेयर फील्ड देना और मुझे एक चांस देना इक्वली अपने कॉन्फ्लिक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए और मुझे साहस देना और हिम्मत देना ठीक है यहाँ तक क्लियर है बच्चों नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेंशन एंड इफ़ आई शुड विन लेट इट बाई द कोड और अगर मैं जीतता हूँ तो ये भी कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए कोड का यहाँ पे मतलब है बच्चों रूल्स नियमों के तहत ही मैं जीतूँ विथ माई फेथ एंड माई ऑनर हैल्ड हाई और जो मेरा विश्वास है और मेरे सम्मान को ऊँचा रखा जाए अगर मेरी जीत के साथ मेरा सम्मान भी ऊंचा हो जाए एंड इफ आई शुड लूज़ और अगर मैं कि परिस्थितियों में अगर हार जाता हूँ लेट मी स्टैंड बाय द रोड तो मैं रोड के एक किनारे खड़े होकर एंड चीयर ऑल द विनर्स एज द विनर्स गो बाय और मैं जो जीतने वाले जो विनर्स हैं उनको मैं चीयर कर सकूँ ठीक है चीयर प्रोत्साहित कर सकूँ उनके लिए तो यहाँ तक ये सेकेंड स्टैंड जा एंड नाउ थर्ड स्टैंड जा एंड लोड मे माई शाउट्स बी अनग्रजिंग एंड क्लियर हे प्रभु जो मेरे शाउट्स हैं जो मेरी चीखें होंगी खेल के दौरान या जीतने के बाद वो भी अनग्रजिंग होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए साफ होने चाहिए अनग्रजिंग का मतलब बच्चों है विलिंग विद नो कंप्लेंट्स कोई शिकायतें ना हों आ ट्रीब्यूट दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट और एक श्रद्धांजलि के रूप में एक वो दिल से आना चाहिए एक श्रद्धा और एक रिस्पेक्ट जो है वो दिल से आए एंड लेट मी नॉट चैरिश अ स्नॉल और अ स्नियर बच्चों पहले यहाँ पे मीनिंग आप समझ लीजिए तभी इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आएगा स्नॉल स्नॉल है मीन्स ग्राउल एंड एंग्री एक्सप्रेशन खेल के दौरान जब खिलाड़ी लोग एंग्री एक्सप्रेशन अगर देते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को या किसी भी परिस्थिति में वो स्नॉल कहलाता है और स्नियर स्नियर मीन्स होता है अ डिसरिस्पेक्टफुल लुक और कमेंट ठीक है तो अब इस लाइन को समझते हैं एंड लेट मी नॉट चैरिश तो मैं जो है चैरिश ना करूँ चैरिश uh, मतलब पोसना पालना तो मैं स्नाड़ और स्नियर को अपने अंदर ना उपजाऊँ ना उपोसूँ और प्ले एनी स्निवल पार्ट और स्निवलिंग पार्ट स्निवलिंग है कंप्लेनिंग नॉइजली विनिंग तो मतलब स्नेवलिंग पार्ट मेरी लाइफ में कोई ना हो स्नेवलिंग पार्ट मीन्स छींटा कशी वाला कोई ऐसा पार्ट ना हो मेरे खेल के दौरान जहाँ पर मेरे ऊपर कोई कंप्लेन आए ठीक है बच्चों यहाँ तक थ्री पैराग्राफ्स आपको क्लियर है नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज लेट मी से दे आर दे राइट ऑन वूम लॉरल्स बेस्टोड और चलो ये कहते हैं वहाँ वे सवारी करते हैं जहाँ पर जिन पर लॉरल्स बेस्ट जिन पर लॉरल जो है वो दिया गया है लॉरल्स मीस होता है ऑनर एंड प्रेस फॉर एन अचीवमेंट किसी बड़ी उपलब्धि के लिए उनको ऑनर देना प्रेस देना जिनके ऊपर ऑनर्स दिया गया है बेस्ट ऑड हो तो प्रेजेंटेड गिवन सिंस दे प्लेड द गेम बेटर देन आई जबकि वो मुझसे बहुत अच्छा खेल खेलते लेट मी स्टैंड विद अ स्माइल बाय द रो साइड ऑफ द रोड चलो मैं खड़ा हो जाऊंगा एक बहुत ही अच्छी स्माइल देते हुए रोड के साइड में एंड चीयर एज द विनर्स गो बाय यहाँ पर दोबारा पोइट यही कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन क्या कहता है कि मैं अगर जो लॉरल्स बेस्टोड जो लॉरल्स हैं अगर उनके साथ भी मेरी अगर कोई कंपटीशन होता है और वो जीत जाते हैं जबकि वो मुझसे बेहद अच्छा खेलते हैं और फिर भी मैं उनके लिए एक स्माइल दूंगा और रोड के साइड में खड़ा हो जाऊंगा जब वो अगर जीत जाएंगे तो मैं उनको चीयर्स करूंगा प्रोत्साहित करूंगा नेक्स्ट पैराग्राफ सो ग्रांट मी टू कॉन कर इफ़ कौन कर आई कैन तो ये भगवान से कहते हैं हे प्रभु तो मुझे आप ग्रांट करना अनुदान करना कि मैं जीत सकूं अगर मैं जीतूँ तो बाय प्रूविंग माय वर्थ इन द फ्रे फ्रे है बच्चों यहाँ पे कंपटीशन अगर मैं किसी कंपटीशन में किसी मैच में अगर जीत जाता हूँ तो मैं अपनी काबिलियत को प्रूव कर पाऊँ साबित कर पाऊँ बट टीच मी टू लूज लाइक अ रेगुलर मैन ये सब तो जीत के बाद है लेकिन मुझे भगवान ये भी सिखाना आप कि मैं अगर हार जाऊँ तो मैं एक आम आदमी की तरह हार को स्वीकार करूँ एंड नॉट लाइक अ क्रैवन आईप्रे और क्रेवन की तरह नहीं क्रेवन होता है बच्चों यहाँ पर क्रेवन मीन्स अकाउडली पर्सन कायर तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं कायर की भांति वो जो हार है वो ना मानो अपने आप को कायर ना मान के एक आम आदमी की तरह एक और मैं, मुझे ये सिखाइए भगवान कि मैं उस हार को भी स्वीकार कर सकूँ लेट मी टेक ऑफ माई हेट टू दॉरियर्स हु और मैं उन मुझे ये भी आप सिखाइए प्रभु कि मुझे ये इतनी भी हिम्मत देना कि मैं हेड को ऑफ़ कर सकूं यानी अपनी उनको सम्मान दे सकूं वॉरियर्स हु जो योद्धा आगे बढ़ते हैं उनको मैं सम्मान दे सकूं टू विक्ट्रीज प्लांटेड एंड हाई और जो जीत हो बहुत ही शानदार और उच्च हो बहुत ऊंची हो शानदार और ऊंची हो या टीच मी टू स्टैंड बाय द साइड ऑफ द रोड और हे ईश्वर मुझे ये भी सिखाना कि मुझे रोड साइड पे खड़े होकर एंड चीयर एज द विनर्स गो बाय और जो चीयर्स करने प्रोत्साहित करना उन विनर्स के लिए जो जीत कर मैच जाते होंगे तो बच्चों यहाँ पे सभी पैराग्राफ में स्पोर्ट्स मैन ने ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि अगर मैं जीत जाऊँ तो उसमें मुझे अहंकार ना आए और मैं उनका जो हारे हुए खिलाड़ी हैं उनका भी सम्मान करूं और अगर मैं हारने की कंडीशन में आ जाऊँ तो मुझे कायर की तरह नहीं एक रेगुलर पर्सन की तरह हार को स्वीकार करने की हिम्मत देना और उन जो विनर्स हैं उनके लिए मैं चीयर कर सकूँ ठीक है बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग